हेलो स्टूडेंट्स, आपको अभी इससे पहले ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे, ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट एंड प्लांट्स हमने इससे पहले आपको बताया, जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसमें ट्रांसपोर्टेशन के बहुत सारे मीडियम हैं। जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, ये सब सर्कुलेशन के लिए ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में यूज होते हैं। प्लांट के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो प्लांट्स के पास जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो इसमें जो प्लांट्स हैं, इसमें यहाँ पर लो रेट सर्कुलेशन है या लो डिस्टेंस तक है और हाई डिस्टेंस तक है। तो लो डिस्टेंस में जो सर्कुलेशन आता है, जो थोड़ी बहुत दूरी तक ही सर्कुलेट कर पाता है मटेरियल्स को, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत जरूरी है। अगर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो मटेरियल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाएंगे। इससे पहले टॉपिक में हम आपको बता चुके हैं कि जो लो डिस्टेंस वाला ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें लो डिस्टेंस पे मटेरियल्स का ट्रांसफर होता है, उसमें आपका एक डिफ्यूजन प्रोसेस आता है। डिफ्यूजन के बाद इसमें एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बाद आपका आता है यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें विद द हेल्प ऑफ एनर्जी यूज होती है। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। ये दोनों जो है इनएक्टिव है, क्योंकि इन दोनों में यहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था। डिफ्यूजन फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू द लो कंसेंट्रेशन, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन, एज वेल एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी एंड द ऑस्मोसिस, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन वाया द डिफरेंशियल परमिएबिलिटी सेमी परमिएबल लेयर। इसके बाद इम्बाइबिशन में हम आते हैं। इम्बाइबिशन भी आपका पढ़ा हुआ है, जिसमें जो सीड कोट होता है वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद जो है अंदर का जो सीड होता है, उसमें रिक्वायर्ड जो मूल रेडिकल वो बाहर निकलते हैं सीड कोट को बस्ट करके, तो फुल डेवलपमेंट होता है। ये लो डिस्टेंस सर्कुलेशन जिसे आप पढ़ चुके हैं। जो हाई डिस्टेंस का जो सर्कुलेशन था, तो हाई डिस्टेंस के सर्कुलेशन के लिए इज द स्पेशल टाइप ऑफ मैकेनिज्म आ रहा है। तो इसमें जो हाई डिस्टेंस सर्कुलेशन है, अगर जाइलम ऑफ फ्लोएम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम ऑफ फ्लोएम कलेक्टिवली कार्ड द वेस्कुलर बंडल्स। तो जाइलम फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल है, तो जाइलम से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक वर्ड यूज होता है एसेंट ऑफ सैप। तो पहले वाटर एब्जॉर्प्शन हुआ, वाटर एब्जॉर्प्शन में यहाँ पर एसेंट ऑफ सैप पढ़ रहे हैं, कैसे आप वाटर और मिनरल्स ट्रांसमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल टू द अपर लेवल। तो अब इसमें बहुत सारी थ्योरी, जिससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि जो है जो एब्जॉर्प्शन की थ्योरी है वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन था या पैसिव एब्जॉर्प्शन था। एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक हो सकता है। यहाँ पर जो था ऑस्मोटिक, वो तो ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण हो रहा है। नॉन ऑस्मोटिक विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी हो रहा था। फिर इसके बाद एक पैसिव ट्रांसपोर्ट था। पैसिव ट्रांसपोर्ट में देयर इज नो नीड ऑफ द एनर्जी एंड देयर इज नो मेटाबॉलिक एक्टिव सेल्स फ्रॉम द रूट। जैसे इवोपरेशन होता है, अपर सेल्स में ट्रांसपायरेशन होता है, जो वाटर की डेफिशिएंसी होती है, डीपीडी क्रिएट होती है, उसके कारण से जो प्रेशर पड़ता है, तो इनएक्टिव रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है और ट्रांसमिट करती है। अभी जो एसेंट ऑफ सैप है जाइलम के द्वारा हो रहा है, तो यहाँ पर वाटर के साथ साथ मिनरल्स जब ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो निस्कार एसेंट ऑफ सैप। इसी तरह से यहाँ पर फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इट वाया ट्रांसपेस फ्रॉम द फ्लोएम, तो फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, और जो एसेंट ऑफ सैप होता है वाटर मिनरल्स का, तो थ्रू द जाइलम होता है। तो जाइलम वाटर को और मिनरल्स को जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, इसके लिए आपने पढ़ा है डिक्सन और जॉली का जो सबसे फेमस प्रिंसिपल है, उसे यहाँ पर कहते हैं यहाँ पर कोहेसिव एडहेसिव थ्योरी, कोहेसिव एडहेसिव ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। इसको भी हम इससे पहले पढ़ा चुके हैं, ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। जो कोहेसिव फोर्स होता है वो आपको पता है, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। एडहेसिव बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द जाइलम वेसल, तो ये जो हमारी जस्ट लाइक द जाइलम, ये जो यहाँ पर अंदर जाइलम वेसल है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लग रहा है। वाटर बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द जाइलम वेसल इज द एडहेसिव फोर्स। तो जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एडहेसिव फोर्स है।
and this is the transpiration pool at the upper part, the aerial part. The various leaks are present and the gaseous exchange takes place from this part. तो अपर पार्ट में जैसे ही गैसेस एक्सचेंज होता है तो ट्रांसपिरेशन होता है, मींस इसके थ्रू यहाँ पर अपर सेल्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो अपर सेल्स में वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है इसके कारण से ये हर सेल अपनी लोअर सेल्स से नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण से एक ट्रांसपिरेशन पुल नीचे से एक खिंचाव उत्पन्न होता है। अल्टीमेटली दिस पुल नीचे से अपन द ग्राउंड लेवल और अल्टीमेटली क्या करती है, रूट इसी फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करती है। ट्रांसपिरेशन पुल में आप देखते हैं जब कोएसिव एडहेसिव ट्रांसपिरेशन पुल ये आप पढ़ चुके हैं, इस तरह से जाइलम में वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब ये प्रूव करना है हाउ इट इज प्रूव दैट जाइलम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो इट इज अ रिंगिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहां पर ये आपने प्लांट लिया हुआ है, तो प्लांट में जो आपको पता है कि जो वैस्कुलर पार्ट में जाइलम फ्लोएम होते हैं जो वैस्कुलर बंडल में, तो 20 सेंटर होते हैं। ये अगर आप देखें ऐसे जो इनर पार्ट है इसको हम यहाँ किसी निडल से अगर डैमेज कर देते हैं तो जाइलम वेसल्स जैसी ब्रोकन डाउन हो जाती है तो जो अपर पार्ट से लीव्स तक वहां पर वाटर का ट्रांसलोकेशन रुक जाता है और ये पूरी लीव्स क्या हो जाती है, सूख जाती है। इससे ये इज द गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट, इस गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट ये शो करता है कि वास्तव में ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर मिनरल्स के लिए जाइलम रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक फिनोमेना आता है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स, कि फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। तो अगर फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन आपने देखा है तो फूड मटेरियल के ट्रांसलोकेशन में इट अकर्स थ्रू द फ्लोएम टिश्यू, तो फ्लोएम टिश्यू के थ्रू हो रहा है। अब फ्लोएम के थ्रू जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है आपको देखना है। एक इसमें भी गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट आप शो कर सकते हैं। आपको पता है कि जो स्टेम होता है स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं तब फ्लोएम इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी ऑफ द फ्लोएम। तो अगर जाइलम में या कैम्बियम के बाहर के सारे टिश्यू रिप्लेस कर दिए जाए एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ऐसा कट लगा दे जैसे पेंसिल छीलते हैं और स्ट्रेच किया जाता है, तो ऑल द टिश्यू आर रिमूव्ड आउटसाइड द फ्लोएम, फ्लोएम के सारे टिश्यू बाहर निकाल देने का मतलब बाग रिमूव कर दिया। तो बाग रिमूव कर देंगे तो निश्चित है कि इस पार्ट पर जो दीज आर द लीव्स, लीव्स आर मोस्टली प्रेजेंट एट द अपर पार्ट, तो यहां पर फूड सिंथेसाइज हो रहा है और जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो वाया फ्लोएम गोज टू द स्टोरेज ऑर्गन्स। तो जो जाइलम और से वाटर मिनरल्स ट्रांसलोकेट हो रहे हैं दैट इज द यूनिडायरेक्शनल, और यहां पर चूंकि जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है वो वेरियस स्टोरेज ऑर्गन पर जा रहा है सो इट इज नॉट द यूनिडायरेक्शनल, इट इज द मल्टी डायरेक्शनल। अब जो फूड का ट्रांसलोकेशन है आप देखेंगे बेलो द गर्डल द स्टेम स्वेल्स, इस जगह पर स्टेम पूरा फूल जाता है ड्यू टू अक्यूमुलेशन ऑफ द फूड, यहां पर पूरा फूड कलेक्ट हो गया इस पार्ट। तो जब फूड कलेक्ट हो जाए क्योंकि तो यहां से वाया फ्लोएम ये ट्रांसमिटेड नहीं हो पा रहा, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, तो दिस एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द गर्डल एक्सपेरिमेंट व्हिच प्रूव्स दैट फ्लोएम इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसमिटेशन ऑफ द फूड। और इसका क्या फिनोमेना होगा कि जो नीचे की जो पार्ट है उसको यहाँ पर फ्लोएम या फूड नहीं मिलेगा और फूड मटेरियल की एब्सेंस के कारण ये जो पूरा प्लांट है इसके नीचे का ये डेड होने लगेगा। जाइलम तो जुड़ा हुआ है तो वाटर मिनरल्स लीव्स को मिल रहे हैं लेकिन नीचे के पार्ट को फ्लोएम फूड को ट्रांसमिट नहीं करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लांट सूख जाएगा। तो जहाँ कहीं पर हमको यहाँ पर नेशनल हाईवे बनाना होते हैं तो जगह जगह पर हमको पेड़ का डिफॉरेस्टेशन करना होता है, मजबूरी में करना होता है, गलत है डिफॉरेस्टेशन, तो उस समय यहाँ पर पेड़ों को काटने से बचाने की एनर्जी खर्च करने की अपेक्षा हम यहाँ पर इस तरह से रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कर देते हैं। तो निश्चित ही कुछ समय बाद 2 से 3 महीने में पूरे बड़े बड़े जो है प्लांट्स लगे होते हैं वो सूख जाते हैं, सूख जल जाते हैं, तो हमारा इससे एक्सपेंस बढ़ जाता है। अब एक टॉपिक आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में हाउ इट इज कन्फर्म, तो ये तो कन्फर्म हो गया कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, तो इसको एक थ्योरी के रूप में मंच ने एक्सपेंस किया। एक मंच साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि हाउ द फूड ट्रांसफर्स फ्रॉम द फ्लोएम। तो आप देखिए इसको आप एक्सपेरिमेंट रूप में दिखा सकते हैं, जैसे ये प्लांट है, दीज आर द लीव्स, लीव्स लेट द
क्या बनाते हैं यहाँ पर, फूड बनाते हैं वाइड अक्रॉस द फोटोसिंथेसिस। फूड आपको पता है शुगर के फॉर्म में होता है। अभी जो शुगर के फॉर्म में फूड यहाँ पर बन रहा है, ये वेरियस स्टोरेज ऑर्गन तक कैसे पहुंचेगा, इस थ्योरी इस कारण मंच हाइपोथेसिस, मंच ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दो बीकर हैं एंड बोथ आर इंटरकनेक्टेड फ्यूचर, दोनों को एक दूसरे से यहाँ पर जोड़ दिया। अब यहां पर उन्हें कहते हैं दोनों में वाटर होती है। नाउ दिस सिस्टम ए एक्ट एज द ये फोटोसिंथेटिक पार्ट की तरह एक्ट कर रहा है। जैसे इस पार्ट में फूड का फॉर्मेशन होता है, दिस मेम्ब्रेन इज परमीएबल टू द वाटर। तो जैसे ही फूड बनकर यहां आ रहा है, शुगर के फॉर्म में आ रहा है फूड, तो क्या होगा यहां पर एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ड्यू टू द हाई कंसंट्रेशन। तो यहां पर शुगर वाटर सॉल्युबल है, जहां पर वाटर भरा हुआ है, तो यहां पर बीकर से एंड ऑस्मोसिस होगी और इस जगह पर शुगर का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अब इट इज कनेक्टेड विद ए ट्यूब टी, इस ट्यूब टी से कनेक्ट है और किस पार्ट में आते हैं, बी पार्ट में आते हैं। तो यहां से ये हमारा जो फूड ट्रांसपोर्टेड होकर के बी पार्ट में आ रहा है। अगर इस पार्ट से लगातार शुगर को हम रिमूव करते हैं, शुगर रिमूव का मतलब है जैसे हम फल तोड़ते जा रहे हैं, तो प्लांट में स्टोरेज ऑर्गन में जो फूड स्टोर हो गया उसको हमने हटा लिया, तो फिर से यहाँ पर प्लांट और वैकेंट जगह होगी कि फूड को स्टोर करने के लिए। शुगर हम रिमूव करते जा रहे हैं तो निश्चित है यहाँ पर शुगर का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, तो वाटर फिर यहाँ से बाहर निकलने लगेगा और इस ट्यूब के थ्रू फिर से ए में आ जाएगा। दिस ट्यूब इज एक्ट एज द जाइलम एंड दिस कैपिटल टी ट्यूब इज एक्ट एज द ट्यूब। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो दो बीकर है उसमें हमने यहाँ पर ऑस्मोटिकली सॉल्यूशन रखे हुए हैं, दोनों को आपने यहाँ पर स्मॉल टी जाइलम से जोड़ रखा है और फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए फूड नलिया कैपिटल टी से जोड़ रखा है। तो ये जो एक्ट ए सिस्टम है, इट एक्ट एज द लीफ, ये लीफ की तरह वर्क करता है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस लगातार हो रही है और फूड बनता जा रहा है और ये फूड वाटर में डिजोल्व हो रहा है, शुगर डिजोल्व हो रहा है, तो यहाँ उसमें बिक्री हाई हो जाएगा एंड ऑस्मोसिस के कारण यहाँ पर कंटिन्यू ट्रांसपोर्टेशन होगा। और अगर यहाँ से हम फूड को कंटिन्यू हटाते रहते हैं तो बी सिस्टम से यहाँ से फिर वाटर रिलीज होकर के और साइलम वेसल से होता हुआ फिर से कहा जाएगा सिस्टम में आ जाएगा। मंच हाइपोथेसिस, मंच ने कहा कि ये परिकल्पना ये शो करती है कि फ्लोएम ट्यूब के द्वारा ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और जाइलम द्वारा वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो फूड में जो शुगर बन रही है, शुगर के फॉर्म में जो फूड बन रहा है प्लांट्स में, अगर कंटिन्यू हम रिमूव करते रहें, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं उसके प्रोडक्ट जो होते हैं या फ्रूट्स होते हैं उसको हटाते जाते हैं, तो निश्चित है कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और फिर से स्टोरिंग कैपेसिटी प्लांट की बढ़ जाएगी और फिर से फूड को स्टोर करेगा। तो ये जो मंच हाइपोथेसिस है ये ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स में फूड के या शुगर के ट्रांसपोर्टेशन की विधि है, किस तरह से शुगर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो अभी आपने वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन देखा था, तो थ्योरी की डिक्सम और थ्योरी की थी कोहेशन एडेशन ट्रांसपायरेशन को थ्योरी, और ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड है उसमें गर्डिंग एक्सपेरिमेंट शो करता है कि फ्लोएम द्वारा ही फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और गर्डिंग एक्सपेरिमेंट के बाद ये मंच की हाइपोथेसिस शो कर रही है कि वास्तव में फूड जो है बन रहा है कि चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, अब इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट्स पढ़ाने के बाद हम आते हैं इस टॉपिक पर ट्रांसपायरेशन। ये भी ट्रांसपोर्ट में ही है, इट इज द ट्रांसपायरेशन। क्या होगा ट्रांसपायरेशन, द रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर। आप देख रहे हैं यहां पर कि वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। तो रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स के एरियल पार्ट्स से वाटर वेपर के फॉर्म में जो रिलीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन एंड इवेपोरेशन, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपायरेशन एंड द इवेपोरेशन। द इवेपोरेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग, तो लिविंग बींग्स में भी इवेपोरेशन हो रहा है और नॉन लिविंग में भी हो रहा है, बट द ट्रांसपायरेशन ओनली टेक्स प्लेस इन द प्लांट्स। तो ट्रांसपायरेशन में वाटर वेपर के फॉर्म में हो रहा है, इवेपोरेशन में हो रहा है, ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में हो सकता है। अगर किसी गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो उससे जो पानी क्या हो रहा है, वेपर के फॉर्म में हो रहा है,
is the evaporation. ये non-living हो रहा है. Human beings में जब पसीना आ रहा है तो evaporation हो रहा है, sweating के द्वारा evaporation हो रहा है, वो भी यदि evaporation है. But in the case of plants, it is called the transpiration, where the water evaporates in the form of the vapors from the aerial parts of the plants. अब एक word आता है यहाँ पर कि transpiration और evaporation में basic क्या difference है. तो transpiration है वो physiological process है. Is a physiological process as well as the evaporation is a physical process. ये physiological process. आपको पता है physiology किसे कहते हैं, the branch of biology which deals the actual mechanism of the organs. किस तरह से हमारे organs work करते हैं, that is called the physiological process है evaporation, sorry transpiration. अब word use होता है कि transpiration किसमें ज्यादा होता है किसमें कम होता है. तो जितने भी submerged plants होते हैं वाटर के अंदर है तो वाटर को वेपर के फॉर्म में निकलने की कोई जगह नहीं मिलेगी. तो इस तरह क्या है यहाँ पर नो ट्रांसपायरेशन. एंड द मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस इज द मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन. तो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन किसमें होगा, ये होता है मीसोफाइट्स. आपको पता है मेनली जो प्लांट्स की कैटेगरी है चार तरह बांटी गई है, हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स, जीरोफाइट्स या डिजर्ट प्लांट्स कहते हो, हेलोफाइट्स. जो हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, एक्वाटिक जो प्लांट्स होते हैं हाइड्रोफाइट्स है. जो जीरोफाइट्स होते हैं या डिजर्ट प्लांट्स है, जीविक बने क्या होता है, जीविक जीरो जो वर्ड बना है दैट्स अराइज फ्रॉम द जीविक बने होता है ड्राई. तो ड्राई हैबिटेट में पाए जाने वाले जो रेगिस्तानी स्थान है पाए जाए, शुष्क स्थानों में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो जीरोफाइट्स कहलाते हैं. और जो हेलोफाइट्स है, आपको पता है फाइट मैंने प्लांट होता है, जो हेलो होता है, हेलो मीन्स द साल्ट. तो ये जो साल्ट वाटर में जो पाए जाते हैं, खारे जगह पाए जाते हैं, कुछ हेलोफाइट्स कहलाते हैं. तो हेलोफाइट्स में एग्जाम्पल आपका पता है आपको, मैंग्रोव प्लांट्स कहलाते हैं, उसमें सोमेशिया है, एबिसिनिया है, ये सारे हेलोफाइट्स हैं. अब हम आते हैं मीसोफाइट्स, जो मेन वर्ड हम बताना चाह रहे थे इज द मीसोफाइट्स. तो मीसोफाइट्स नॉर्मल प्लांट्स होते हैं यहाँ पर, ये ना ही बहुत ज्यादा ड्राई हैबिटेट में रहते हैं ना ही बहुत ज्यादा एक्वाटिक हैबिटेट में है. तो एक्वाटिक और ड्राई दोनों के बीच के जो मीडियम प्लेस है दैट इज कॉल्ड द मीसोफाइट्स. ये सब हमारे एनवायरनमेंट में मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं वो मीसोफाइट्स हैं. पीपल, बर्गर वगैरह ये सब मीसोफाइट्स हैं. तो जो मैक्सिमम ट्रांसपायरेशन होता है वो मीसोफाइट्स में होता है. और आपने सोचा होगा कि जो लो ट्रांसपायरेशन रेट होता है, अगर ट्रांसपायरेशन को कम करना है तो जो लो ट्रांसपायरेशन रेट होता है वो पाया जाता है सप्लीमेंट प्लांट्स. व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट प्लांट्स, आपको पता है सप्लीमेंट मतलब होता है फ्लैशी. तो फ्लैशी प्लांट का मतलब मांसल पौधे, ऐसे पौधे जो डेजर्ट या जीरी कंडीशन से बचने के लिए अपने वाटर स्टोर कर लेते हैं. जो वाटर स्टोर कर लेते हैं दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट प्लांट्स. फिर फ्लैशी प्लांट्स है, एगेव है, कैक्टस है, इसमें यहाँ पर लो ट्रांसपायरेशन रेट है. Because the sunlight is not present directly on the instrumenta and the sunken instrumenta are present. इन सब में condition होती है, the sunken instrumenta मतलब छिपे हुए instrumenta होते हैं या बहुत low instrumenta होते हैं, कम होते हैं, low number पे होते हैं, vestigial form में भी कभी कभी हो सकते हैं. तो maximum transpiration mesophytes में होता है. जो low transpiration rate है sunken instrumenta present होते हैं उसमें, succulent या fleshy plants में, उसको desert plants भी बोलते हैं, फिर sunken instrumenta होते हैं. और जो ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, क्योंकि समर्ज प्लांट हाइड्रोफाइट जो होते हैं उसमें ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, क्योंकि वो वाटर के अंदर होते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ द ट्रांसपायरेशन. तो ट्रांसपायरेशन में जो वाटर वेपर के फॉर्म में निकल रहा है दैट इज द ओनली द बेस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज. इसके कारण से जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है. अब हम आते हैं इस वर्ड में कि हाउ दैट ट्रांसपायरेशन रेट. तो ट्रांसपायरेशन रेट को आप कैसे मेजरमेंट करते हैं, इफ द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द फोटोमीटर. The photometer is the instrument by which the measure the intensity of the transpiration. और एक word होता है यहाँ पर porometer. Do you know what is porometer? Differentiate between the photometer and the porometer. तो ऐसा instrument जिससे instrumental opening की degree पता करते हैं. It is the instrument which determines the instrumental opening, the degree of instrumental opening. कितने degree तक instrumental खुल रहा है.
वो यहाँ पर कहलाता है ओरोमीटर। तो अब हम जो पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है हमारे स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए, तो पोटोमीटर है लेकिन ट्रांसपायरेशन रेट को स्टोर करने के लिए पोटोमीटर होता है। और एक साइंटिस्ट हुए हैं यहाँ पर डार्विन, तो डार्विन ने अपना पोटोमीटर बनाया है, गैनोन ने अपना पोटोमीटर बनाया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग पोटोमीटर डिस्कवर किया है, उसी के नाम पर उनका नाम रख दिया गया है। हम यहाँ पर पढ़ते हैं द टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन कितनी तरह का। टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन में आपको जो सबसे पहला है इसका अंदर क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन? क्यूटिकल, इट इज द सबसे जो अपर लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है। प्लांट्स में जो सबसे अपर लेयर होती है प्लांट्स में वो एपिडर्मल होती है, एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के ऊपर यहां पर जो क्यूटिकल नामक थर्ड लेयर, क्या ये तो ये नॉन सेलुलर है, इसे आपको ध्यान रखना है। जो क्यूटिकल है इज अ नॉन सेलुलर, इज मेड अप ऑफ नॉट मेड अप ऑफ द सेल्स। तो ये जो अपर मोस्ट रिफ्लेक्टिव लेयर होती है जो प्लांट से पाई जाती है उसको हम यहाँ पर क्यूटिकल कहते हैं। तो क्यूटिकल से होने वाला जो ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। अप्रोक्स 8-10% जो ट्रांसपायरेशन होता है क्यूटिकल से होता है, जो सनलाइट आती है, सपोज ये इज द लीफ, लीफ में ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर ये नॉन सेलुलर लेयर लगी हुई है, ये यहाँ पर सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, इसके कारण से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो ट्रांसपायरेशन और इज कॉल्ड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। तो सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं यहाँ पर स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ द ट्रांसपायरेशन। व्हाट इज स्टोमेटा? स्टोमेटा आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट द एरियल पार्ट्स ऑफ द लीव्स। तो जो लीव्स में या लीव्स के एरियल पार्ट होते हैं उसमें जो छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टोमेटा। तो अप्रोक्स 80-90% ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस बाय द स्टोमेटा, बिकॉज द वेरियस स्टोमेटा प्रेजेंट द पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बहुत कम एरिया में बहुत सारे स्टोमेटा होने के कारण मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वो स्टोमेटा से हो रहा है अप्रोक्स 80-90%। इसके बाद हम आते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन। व्हाट डू यू मीन लेंटिसेल्स? आपको पता है यदि प्लांट्स होते हैं उसमें जगह जगह पर ओपनिंग्स होती है, और जो ओपनिंग्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सप्लीमेंट्री सेल्स और लेंटिकुलर सेल्स होते हैं। तो दीज आर द कॉल्ड द लेंटिसेल्स। इस तरह का स्ट्रक्चर आपने बुक में देखा होगा, यहाँ पर सप्लीमेंट्री सेल्स होते हैं। दीज आर द वेरियस पोर्स प्रेजेंट द ओडी प्लांट्स इन द आउटर मोस्ट पार्ट एज वेल एज द बार्क पार्ट, ये सब लेंटिसेल्स हैं। इसको ट्रांसपायरेशन दैट इज द लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन अप्रोक्स 0.5 से और 0.1% तक ऐसा ट्रांसपायरेशन होता है। तो बहुत कम परसेंटेज में लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन है एज वेल एज द बार्क ट्रांसपायरेशन। बार्क आपको पता है क्या होता है? बार्क छाल, केवल अपर मोस्ट नॉन लिनियर नहीं होती, बार्क में यहां पर कॉर्क भी होता है, कॉर्क के अंदर जो यहां पर लिविंग टिश्यूज हैं वो भी होते हैं। तो दैट इज कंबाइंडली कॉल्ड द बार्क। तो अगर किसी पौधे की बार्क निकाल दी है, छाल निकाल दी है, तो उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इसमें लिविंग टिश्यूज भी है कॉर्क के अलावा। तो ये बार्क के थ्रू जो ट्रांसपायरेशन है वो भी वेरी माइन्यूट हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल मानते हैं। 0.1% जो ट्रांसपायरेशन होता है टोटल ट्रांसपायरेशन का वो बार्क द्वारा होता है। तो आपने टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन पढ़ा, स्टोमेटल, लेंटिकुलर, इसके अलावा बार्क ट्रांसपायरेशन एंड द क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन। हम आते हैं इसमें मेन पार्ट में स्टोमेटा। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोमेटा? दीज आर द टिनी पोर्स प्रेजेंट द ग्रीन पार्ट्स। तो जो हमारे प्लांट के ग्रीन पार्ट्स है उसमें ग्रीन क्या होते हैं? टिनी पोर्स होते हैं फॉर द गैसियस एक्सचेंज। दिस इज द मिडिल पार्ट कॉल्ड द स्टोमा। स्टोमा इज कवर्ड बाय द टू क्रिसेंट शेप्ड सेल्स, अर्धचंद्राकार जो सेल्स होती हैं, दीज आर कॉल्ड द गार्ड सेल्स। दो होती है जो चारों ओर से स्टोर दे रहती है। द इनर वॉल ऑफ द गार्ड सेल इज थिक एंड द आउटर वॉल इज, जो इनर वॉल होती है वो थिक होती है, आउटर वॉल यहाँ पर थिन होती है। आप देख रहे हैं वॉल है ये वही थिन। एंड द गार्ड सेल्स कंटेन्स द लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। द
guard cells में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, so they are responsible for the photosynthesis. Outside the guard cells, these are the subsidiary cells. ये subsidiary cells हैं, तो guard cells को चारों ओर से घेरे हुए हैं. These are the subsidiary cells. ये भी और ये. This is the structure of the stoma. तो आप देख रहे हैं कि बीच का पार्ट स्टोमा है, दोनों ओर से जो गार्ड सेल्स से घिरा हुआ है. गार्ड सेल्स में वेरियस क्लोरोप्लास्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, और गार्ड सेल्स के बाहर सब्सिडियरी सेल्स होती हैं, वो जो गार्ड सेल्स को चारों ओर से प्रोटेक्ट किए होते हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमा. अब स्टोमेटा के स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव्स, लीव्स में किस तरह से स्टोमेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसके आधार पर इसको स्टडी करते हैं. तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो गार्ड सेल्स है, दीज आर द वेरियस सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स आर प्रेजेंट. अगर हम इसको जनरल स्ट्रक्चर में केवल गार्ड सेल का बताएं आपको समझने के लिए, दिस इज द पोर एंड दिस इज द गार्ड सेल. इन द गार्ड सेल्स देयर इज अ वेरियस सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट ऑन द रेडियल वॉल. दिस आर सेलुलोज. दीज माइक्रोफाइब्रिल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोजिंग एज वेल एज ओपनिंग. तो गार्ड सेल्स को पुल करने के लिए, खींचने के लिए, बिकॉज द इनर वॉल इज थिक एंड आउटर वॉल इज थिन, तो जब ये स्ट्रेच करती है, रेडियल वॉल्स में सेल माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये स्टोमेटा के बीच के जो पोर को, स्टोमा को जो पोर है, इसको खींच देते हैं. पोर बड़ा हो जाता है तो आपको स्टोमेटा ओपन दिखाई देता है, अदरवाइज स्टोमेटा आपको बंद दिखाई देता है. तो अगर हम देखें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा की, कैसे प्लांट्स में या लीव्स में स्टोमेटा को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो यहाँ पर क्लासिफाई किया गया है, दिस कॉल्ड द वाटर लिली टाइप. ये किस आधार पर है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा. ऑन द लीव्स, लीव्स में किस तरह से स्टोमेटा को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, या किस तरह से स्टोमेटा पाए जाते हैं, कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं, अपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में. आपको पता है कि देयर टू टाइप्स ऑफ लीव्स. जैसे यहाँ पर पीपल बरगद होता है, दिस इज द डॉर्सिमेंट्रल लीफ. जो डॉर्सिमेंट्रल लीफ होती है उसमें डॉर्सल साइड में ज्यादातर समय तक सनलाइट रहती है, और एक उसके जस्ट अपोजिट वेंट्रल साइड होती है जहां पर ज्यादातर समय तक शेडो रहती है. तो डॉर्सिमेंट्रल लीफ इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टाइप ऑफ प्लांट्स. तो मोनोपॉड्स होते हैं, मोनोपॉड में आपने देखा है जो ग्रासेस होती है, घास होती है, यहाँ पर वीट है, राइस है, मेज है, सब की लीव्स है, ये आइसोबाइलेटरल है, यहाँ पर कोई डॉर्सल वेंट्रल आपको दिखाई दे रहा. दीज आर द ये लेटर, ये भी लेटर, तो ये आइसोबाइलेटरल है. तो आइसोबाइलेटरल लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोपॉड, एज वेल एज द डॉर्सिवेंट्रल लीफ इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकोट. ये डाइकोट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये मोनोपॉड का है. मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको डॉर्सल वेंट्रल साइड और जानी चाहिए. तो जो इसमें डॉर्सल साइड होता है लीव्स में, तो जिसमें ज्यादा समय तक सनलाइट रहती है, उस डॉर्सल को यहाँ पर एडाक्सियल साइड कहते हैं, एडाक्सियल साइड. और जो वेंट्रल साइड होता है उसके जस्ट अपोजिट जहां पर सनलाइट नहीं रहती है, इसका नाम एडाक्सियल साइड. तो ये जो डॉर्सल और वेंट्रल साइड है वो आपको डॉर्सी वेंट्रल लीव में दिखाई देगी. इसे नाम पड़ा डॉर्सी वेंट्रल लेनिंग कहते हैं. पृष्ठाधारी पत्ती इज अ करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द डाइकोट प्लांट्स, द्विबीजपत्री का. द मोनोपॉड्स द लीफ इज द आइसोबाइलेटरल, आल्सो कॉल्ड द सम द्विपार्श्व पत्ती. दोनों पार्श्व में बराबर सनलाइट पड़ रही है, इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मोनोपॉड्स. ये एक विषय पर बैठ जाता है. अब हमारे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा आपको बता रहे थे, मैंने आपको अभी डॉर्सल वेंट्रल इसलिए बता दिया, डॉर्सल को एडाक्सियल साइड भी कहते हैं और वेंट्रल को एबाक्सियल साइड भी कहते हैं. ये जो वाटर लिली टाइप का आपका स्टोमेटा है, तो वाटर लिली टाइप में जो हमारे स्टोमेटा होते हैं मोस्टली अपर सर्फिस पर प्रेजेंट होते हैं. ये आपका जो पूरे वाटर में फ्लोट कर रहा है, जो अपर सर्फिस वाटर के अपर साइड की है, दिस अपर सर्फिस, केवल इस सर्फिस पर स्टोमेटा है. क्योंकि अगर यहाँ पर इनर सर्फिस में होंगे या वाटर के अंदर होंगे, एक साइड का वाटर होगी, दिस द रोल रोल ऑफ द स्टोमेटा. जो गैसियस एक्सचेंज है वो केवल एरियल पार्ट से होता है. तो जब केवल अपर सर्फिस पर स्टोमेटा होते हैं, दैट इज कॉल्ड एपी स्टोमेटिक कंडीशन. जो कंडीशन होती है उसमें स्टोमेटा केवल अपर साइड पर होते हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं आप अपर साइड पर. तो ये जो वाटर लिली है, इसमें आपका लोटस हो सकता है, और भी जितने भी एक्वाटिक प्लांट है, निम्फिया वगैरह, निम्फिया है, व्हाटएवर ज़ेनोन है, सब में वाटर लिली टाइप का स्टोमेटा पाया जाता है. दूसरा हम आते हैं यहाँ पर प्रोटेमोज़ेटोन टाइप. प्रोटेमोज़ेटोन टाइप ऑफ स्टोमेटा
फॉर्म इन द सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स, अगर पूरी तरह से वाटर के अंदर डूबे हुए हैं, ये वाटर है पूरा और जो प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से सबमर्ज है, जिसे हाइड्रला है, तो पूरी तरह से सबमर्ज प्लांट है, तो उसमें जो स्टोमेटा होते हैं वो वेस्टिजियल होते हैं, क्योंकि उसका कोई रोल नहीं है या फिर स्टोमेटा एब्सेंट होते हैं। दिस टाइप ऑफ स्टोमेटा इज फॉर्म इन द पोटैमोजिटोन टाइप कहलाते हैं। तो जितने भी सबमर्ज प्लांट है, चाहे आप एग्जाम्पल हाइड्रला ले सकते हैं, उसमें आप या तो कह सकते हैं स्टोमेटा नहीं है, या कह सकते हैं स्टोमेटा वेस्टिजियल फॉर्म है। इसी कैटेगरी में आपने अभी देखा जो वाटर लिली टाइप है, पोटैमोजिटोन टाइप है, एक होता है एपेरेंट मलबरी, एपेरेंट मलबरी मलबरी शक्ल को कहते हैं, आपको पता है। तो जो एपेरो मलबरी टाइप का जो स्टोमेटा है, उसमें नाम इसलिए दिया गया क्योंकि स्टोमेटा यहाँ पर लोअर सरफेस पर ज्यादा होते हैं, जो अपर सरफेस होती है कंटेंस लेस स्टोमेटा, क्योंकि ज्यादा सनलाइट पड़ेगी तो ये ट्रांसपायरेशन ज्यादा ना हो, तो ट्रांसपायरेशन को लो रखने के लिए लोअर सरफेस पर जब स्टोमेटा की संख्या ज्यादा होगी तो यहाँ पर हाइपोस्टोमेटिक दशा होगी। ऐसा नहीं कि अपर सरफेस पर होंगे नहीं, होंगे, लेकिन लोअर सरफेस पर स्टोमेटा ज्यादा होगा। वाटर लिली टाइप में अपर सरफेस पर ही पाए जाते हैं, इसलिए एपिस्टोमेटिक पॉइंट यूज हुआ। तो एपिरो मलबेरी टाइप में हाइपोस्टोमेटिक स्टोमेटा कंडीशन है। अब आप सोचिए कोई ऐसी कंडीशन जिसमें यहाँ पर ये पोटैटो टाइप होता है, जो पोटैटो टाइप है, तो जितने भी फैमिली सोलेनेसी के प्लांट है वो इसमें आते हैं, इसमें स्टोमेटा दोनों सरफेस पर होते हैं, प्रेजेंट ऑन द बोथ द सरफेस बट मोर ऑन द लोअर सरफेस। तो लोअर सरफेस का मतलब हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन ज्यादा है, इसमें स्टोमेटा की संख्या ज्यादा है, और अपर साइड में स्टोमेटा की संख्या कम है, लेकिन दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं। और जो ओट टाइप है, कोट टाइप और जितने भी जो सीडल्स होते हैं, मोटा अनाज जिसको कहते हैं, उसमें कोट आता है आपका एबिना सिकारिवा, ठीक है, तो जो है जो ये सब इसी में आते हैं। तो कोट टाइप में स्टोमेटा दोनों सरफेस पर पाए जाते हैं, तो जब दोनों सरफेस पर स्टोमेटा पाए जाएंगे तो उसे कहते हैं एम्फी स्टोमेटिक दशा। स्टोमेटा एम्फी स्टोमेटिक दोनों सरफेस पर बराबर पाए जाते हैं, एम्फी स्टोमेटिक है, क्यों, क्योंकि ये मोनोकॉट प्लांट है, इसमें आइसोबैक्टर लीफ होती है, तो आइसोबैक्टर में आप ये नहीं कह सकते कि डॉर्सल में ज्यादा है मेंटल में ज्यादा, दोनों ही लेटरल साइड है, तो दोनों साइड में स्टोमेटा की पर्याप्त होते हैं एम्फीस्टोमेटिक टाइप। पोटैटो टाइप में भी दोनों में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोअर सर्फेस या हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन ज्यादा होती है। एपिरो मलबरी टाइप में हाइपोस्टोमेटिक ही मोस्टली होते हैं, पोटैमोजिटोन टाइप में वेस्टिजियल या एब्सेंट कैटेगरी के होते हैं, हाइड्रा पाए जाते हैं, और वाटर लिली टाइप में अपर सरफेस पर ही, क्योंकि लोअर सरफेस तो वाटर को टच कर रही है, तो वहां पर स्टोमेटा नहीं होगा, कोई रोल नहीं होगा, तो अपर सरफेस पर पाए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एपिस्टोमेटिक कंडीशन। तो ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था स्टोमेटा का, उसमें वो अपर सरफेस पर ज्यादा है कि लोअर सरफेस पर ज्यादा है, कि सेंट्रल स्टोमेटा है कि नहीं है, कि अपर सरफेस पर पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, किस जगह पर पाए जाएंगे, कि दोनों सरफेस पर पाए जाएंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द लीव्स, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या था। अब हम यहां पर टाइम ड्यूरेशन के आधार पर डिवाइड करते हैं, तो जो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर भी स्टोमेटा को डिवाइड किया गया है कि कितने समय ये खुलते हैं या किस समय खुलते हैं, तो इसमें जो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर है वो पहला है बार्ले, तो बार्ले जो कहते हैं इसको, या सीरियल भी कहते हैं, सीरियल इज आल्सो, तो ये जो आपका सीरियल्स है अनाज जिसको कहते हैं, उसमें बार्ले की एग्जाम्पल है, तो या तो बार्ले टाइप कह सकते हैं या सीरियल टाइप कह सकते हैं इसको, तो आपका ओट में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है, मेज में पाया जाता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर, कितने समय अवधि तक स्टोमेटा खुल रहा है, नॉट कहाँ प्रेजेंट है। तो ये जो सीरियल बार्ले टाइप है, इसमें जो ओपन होता है केवल ड्यूरिंग द डे, तो केवल दिन के समय यहाँ पर डे टाइम में, डे टाइम फॉर फ्यू आवर्स, उस समय के लिए जो हमारे स्टोमेटा यहाँ पर खुल रहे हैं केवल उस समय, डे टाइम, इसलिए इसे बार्ले या सीरियल टाइप कहते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो अल्फा अल्फा टाइप कहलाती है, जिसका अल्फा अल्फा टाइप, अल्फा अल्फा आपको पता है इट इज ए टाइप ऑफ क्या है, ग्रास है, जिसको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ग्रास प्लांट है या सेलुलोजिक प्लांट्स है जिसको हम फुल्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, फिर भी हम खाते हैं, क्योंकि हमको उनसे क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो पूरी तरह डाइजेस्ट कर लेते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स हमारे पाया जाता है, उनमें सेलुलोज के डाइजेस्टिंग एंजाइम थे, हमारे में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम खत्म हो गए, तो हमारी इंटेस्टाइन में जो पार्ट है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स में रह गया, फिर भी हम यहाँ पर उसका मिनरल्स का यूज कर पाते हैं। जो अल्फा अल्फा टाइप का पाया जाता है
वो पी में है, बीन में है, ग्रेप में है, तो ये जो है पूरे समय खुले रहते हैं थ्रू आउट डे, पूरे समय इसमें थ्रू आउट डे तो पूरे समय जितने समय खुले रहते हैं उसे एल्फाल्फा टाइप कहते हैं। तीसरी कैटेगरी में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो गहम जो नाम वहां पर दिया था उसी तरह नाम देते हैं यहाँ पर पोटैटो टाइप। जो पोटैटो टाइप के जो एस्टोमेटा है वो निश्चित है कि थ्रू आउट डे में खुलते हैं और नाइट में खुलते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं थ्रू आउट डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, बट लेकिन क्लोज कब हो जाते हैं एट वाटर डेफिशिएंसी, अगर पानी की यहाँ पर कमी हो जाती है, वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है किसी भी कंडीशन में, तो उस समय ये इंस्ट्रूमेंटर बंद हो जाते हैं, बाकी समय तक इंस्ट्रूमेंटर क्या रहते हैं खुले रहते हैं। एक अनदर कैटेगरी है जिसमें इक्विसिस्टम है, इक्विसिस्टम से आपको नाम ध्यान आ रहा होगा कि एक टेडोफाइट है, इक्विसिस्टम को हॉटस्टेन भी कहते हैं। तो जो इक्विसिस्टम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटर है ये इक्विसिस्टम नाम उसके लिए रखा गया है, इमरजेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटर है जो इमरजेंट हाइड्रोफाइट से पाया जाता है और हर समय खुले रहते हैं। तो जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स होते हैं उसकी जो अपर सर्फेस होती है वो यहाँ पर एयर को फेस करती है, जो इमर्जेंट हाइड्रोफाइट्स हैं इसमें लोटस भी आपका एग्जांपल है, उसमें इकोसिस्टम टाइप के स्टोमेटा पाए जाते हैं जो हर समय ओपन रहते हैं और क्या करते हैं गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो इससे पहले जो आपने स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था लीव्स में, वो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लीव्स इज द टाइम ड्यूरेशन, बेसिस ऑफ टाइम ड्यूरेशन किस समय खुलते हैं, केवल डे टाइम कुछ अवर्स के लिए खुल रहे हैं तो बाद में टाइप, एल्फाल्फा टाइप पूरे समय खुल रहे हैं दिन में, पोटैटो टाइप में पूरे डे और नाइट खुलते हैं लेकिन वाटर डेफिशिएंसी होने पर ये क्लोज हो जाते हैं, और इक्विसिस्टम टाइप में इमरजेंट होता है और ओपन मोस्टली ज्यादातर समय तक ये खुले रहते हैं। दीज आर द एस्टोमेटा, ये जो सब एस्टोमेटा है, तो ये जो एस्टोमेटा का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है टाइम ड्यूरेशन के आधार पर उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग। अब इसी में एक पार्ट आता है हाउ द एस्टोमेटा फंक्शन, एस्टोमेटा फंक्शन कैसे करते हैं, तो एस्टोमेटा फंक्शन कैसे करते हैं, तो हमें यहाँ पर एस्टोमेटा का फंक्शन पता है कि क्या होता है गैसेस एक्सचेंज होता है, तो उसको फिनोमेना को कहते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा, जो एस्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा। देयर आर वेरियस थ्योरीज, बहुत सारी थ्योरी दी गई है इसके लिए कि एस्टोमेटा कैसे ओपन और क्लोज होते हैं, हम आपको एक एक करके थ्योरी बताते हैं। फर्स्ट थ्योरी ऑफ द एस्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग, एस्टोमेटा का जो मेन फंक्शन होता है गैसेस में, जो पहली थ्योरी है वो यहाँ पर वॉन मोल ने दी थी, एक साइंटिस्ट हुए हैं स्वेंडेंस एंड सपोर्टेड बाय द वॉन मोल। जो पहली थ्योरी है आपकी, तो फर्स्ट थ्योरी इंडिकेट्स दिस द गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी, दिस द गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, दिस इज गिवन बाय द स्वेंडेंस एंड वॉन मोल, पहली थ्योरी है। द सेकेंड थ्योरी इज द ड्रायड सेरे एंड स्टीवर्ट, इन्होंने दिए दिस द स्टार्च शुगर इंटर कन्वर्जन थ्योरी, शुगर स्टार्च और शुगर आपस में कैसे इंटर कन्वर्टेबल है उसके आधार पर लॉयड ने सेरे ने स्टीवर्ट ने थ्योरी दी है। और जो थर्ड थ्योरी है के प्लस आयन ट्रांसफरेशन, पोटेशियम आयन स्थानांतरण, जो के प्लस आयन का ट्रांसफर होता है गिवन बाय द लाइट, लाइट ने थ्योरी दी। गार्ड सेल्स फोटोसिंथेसिस थ्योरी, लॉयड सेरे स्टीवर्ट थ्योरी एंड द के प्लस आयन। हम यहाँ पर तीनों थ्योरी को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। द फर्स्ट थ्योरी इज द गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस गिवन बाय द स्वेंडेंस एंड द वॉन मोल, तो स्वेंडेंस और वॉन मोल ने इसको सपोर्ट किया था, दिया था स्वेंडेंस ने। जो गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी है, उस गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी के आधार पर हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे ही डे टाइम में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, कैसे कब स्टार्ट होती है एट डे, जैसे सनलाइट आती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, जैसे फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होता है वो स्टार्च होता है, उसी को हम कार्बोहाइड्रेट, चूंकि बन रहा है कुछ जगह स्टार्च लिखा होता है कुछ जगह शुगर लिखा रहता है, तो उसी सीधे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर होगा द
शुगर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, शुगर फॉर्मेशन इन गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल में ही शुगर फॉर्मेशन होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्यों होगा, क्योंकि यहीं पर क्या उपस्थित है, क्लोरोप्लास्ट। तो चूंकि लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट यहां पर गार्ड सेल्स में है तो यहां पर शुगर का फॉर्मेशन होगा। अब जब शुगर का फॉर्मेशन होगा तो शुगर आपको पता है कि वाटर में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, तो शुगर यहां पर सॉल्युबल वाटर। अब जब वाटर में सॉल्युबल, तो आप यहां पर ऐसा स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये यहां पर स्ट्रोमा बैकबोन है, दीज आर द गार्ड सेल्स एंड दीज आर द सब्सिडियरी सेल्स, ऐसा स्ट्रक्चर आपने स्ट्रक्चर बनाया है, ये गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में यहां पर जैसे लॉट ऑफ स्ट्रोमेटा क्लोरोप्लास्ट है, तो क्लोरोप्लास्ट में यहां पर फोटोसिंथेसिस जैसी शुरू होगी, इज द शॉर्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, तो शुगर का फॉर्मेशन इस जगह पर शुगर बनेगी। तो शुगर बनेगी तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर में सॉल्युबल है तो क्या होगा, यहां पर इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां पर जो कंसंट्रेशन इंक्रीज, तो जो कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स का वो इंक्रीज कर जाएगा, कंसंट्रेशन इंक्रीज इन गार्ड सेल। तो गार्ड सेल में शुगर का कंसंट्रेशन जैसी बढ़ेगा तो वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द लो सॉल्युबल कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्युबल कंसंट्रेशन। तो यहां पर एंड ऑस्मोसिस होगी, तो एंड ऑस्मोसिस होगी, तो एंड ऑस्मोसिस में वाटर कहां से आ रहा है, तो आप सोचिए एंड ऑस्मोसिस जो हो रही है तो सब्सिडियरी सेल्स से वाटर गार्ड सेल में एंटर कर रहा है। तो ये जो सब्सिडियरी सेल है आपके, अगर गल के सहायक कोशिका है, ये सब्सिडियरी सेल कन्वर्ट से इससे गार्ड सेल में क्या मूवमेंट हो रहा है, वाटर। अब जो वाटर मूवमेंट हो रहा है तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएगी, यहां पर कर्जिड हो जाएगी, और जो आपकी गार्ड सेल है बिकम कर्जिड। अब जैसे ही कर्जिड होगी, फूल जाएगी, आपको पता है कि इनर वॉल होती है वो ठीक होती है, आउटर वॉल थिन होती है, तो जैसे ही गार्ड सेल यहां पर फूल जाएगा तो बीच का कोर बड़ा हो जाएगा, तो आपको स्ट्रोमेटा ओपन या खुला हुआ दिखाई देगा। नाइट में इसका जस्ट अपोजिट फंक्शन हो जाएगा, इसे कहते हैं स्वेंडेंस और वॉन वॉल की जो थ्योरी है। तो इसमें स्वेंडेंस और जो वॉन वॉल की थ्योरी है, उसमें डे टाइम में जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो हमारे गार्ड सेल्स में शुगर का फॉर्मेशन होता है, और जो शुगर का फॉर्मेशन होता है उसके कारण से इसमें यहाँ पर शुगर डिजोल्व हो जाती है वाटर में, उसके कारण से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है, या सामान्य भाषा में कह देते हैं कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है। जब सांद्रता बढ़ जाएगी गार्ड सेल के अंदर, तो सांद्रता बढ़ने का मतलब है इस जगह पर वाटर विल मूव फ्रॉम द अदर पार्ट्स, जहां पर भी लो सॉल्युबल कंसंट्रेशन है वहां से वाटर ऑस्मोसिस प्रक्रिया के थ्रू कहां पर एंटर करेगा, गार्ड सेल में एंटर करेगा। तो आपको पता है कि ऑस्मोसिस में द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लो सॉल्युबल कंसंट्रेशन टू द हाई सॉल्युबल कंसंट्रेशन वाया द सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। तो चूंकि सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन चाहिए थी वो यहां पर मिल गई, तो सब्सिडियरी सेल से लगातार वाटर हमारे गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा। जब गार्ड सेल के अंदर एंटर करेगा तो गार्ड सेल में वाटर की एक्सेस हो जाएगी, जब एक्सेस हो जाएगी तो जिसकी रेडियल वॉल में सेलुलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वो रेडियल वॉल को क्या करेंगे, इलॉन्गेट करेंगे, खींचेंगे। तो जैसे ही इलॉन्गेट करेंगे तो गार्ड सेल बिकम क्या हो जाएगी, टर्जिड। तो गार्ड सेल फूल रही है पानी के आने से, तो उसमें खिंचाव हो रहा है, जब खिंचाव हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रही है इनर वॉल में, तो इनर वॉल थिन होती है, आउटर थिन होती, तो आउटर वॉल ज्यादा स्ट्रेच करेगी, तो आउटर वॉल जब ज्यादा स्ट्रेच कर रही है तो बीच का जो कोर है वो बड़ा हो जाएगा, और जब बीच का कोर बड़ा हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे ओपन स्टोमेटा। तो स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी है उन्होंने, इसलिए श्वेंडेंस ने और वॉन वॉल ने इसका सपोर्ट किया था कि गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी, कि गार्ड सेल में ही फोटोसिंथेसिस होती है, इसका गार्ड सेल में लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट होने के कारण वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द इसका शुगर मॉलिक्यूल एज वेल एज द कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द इससे ओनली सब्सटेंस CO2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल। तो यहां पर ये जो गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस थ्योरी है स्वेंडेंस और वॉन वॉल की, ये कंप्लीट हो गई। हम आपको नेक्स्ट थ्योरी में आते हैं इसके बाद, दूसरी थ्योरी हम कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट थ्योरी, दूसरी थ्योरी में आ रहे हैं। आपको पता है जो नेक्स्ट थ्योरी है वो किसकी है, वो लॉयड की है। उसमें सेकंड स्टार्च शुगर कन्वर्जन, स्टार्च शुगर कन्वर्जन किसने देखी, जिन वाइडर लॉयड सेरे एंड। सिंपल थ्योरी है, स्टार्च शुगर में कैसे कन्वर्ट है, स्टार्च शुगर कन्वर्जन थ्योरी गिवन बाय द लॉयड सेरे एंड स्टुअर्ट। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी तो हमारी ओपनिंग और क्लोजिंग एस्टिमेटर की आप देखिए कितना इजी वे में एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको। दिस इज द डे टाइम एंड दिस इज द, तो केवल डायगोनल डिफरेंस से डे टाइम और नाइट टाइम कैसे चेंज होता है। आप यहाँ पर देखिए डे टाइम में जैसे यहाँ पर सनलाइट पड़ती है, ठीक है, यहाँ देख रहे हैं सनलाइट, जैसे सनलाइट पड़नी शुरू हुई यहाँ पर, तो सनलाइट के पड़ते ही फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस। अभी तक नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, जब नहीं हो रही थी तो रेस्पिरेशन तो वाटर प्रोसेस से कंटिन्यू चल रहा था, तो रेस्पिरेशन चल रहा था तो कंटिन्यू क्या CO2 रिलीज हो रही थी, इसीलिए प्लांट के नीचे रात में नहीं सोते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं करते रात में, क्योंकि रेस्पिरेशन करते हैं तो लॉट ऑफ CO2 रिलीज होती है, और CO2 हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमें O2 चाहिए, तो CO2 रिलीज करते हैं। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है तो जो CO2 का कंसंट्रेशन है, अभी तक तो रेस्पिरेशन हो रहा था, तो CO2 का कंसंट्रेशन अब यहाँ पर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। आपको पता है CO2 किसमें यूज हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस में, आपको फोटोसिंथेसिस का समीकरण पता है, तो ये CO2 फोटोसिंथेसिस में यूज होने लगी, जैसे ही CO2 फोटोसिंथेसिस यूज होने लगी तो यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। और आपको पता है कि CO2 कैसी होती है, एसिडिक होती है, तो CO2 एसिडिक होती है, तो जैसे ही यहाँ पर CO2 कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो pH वैल्यू है वो pH का मान क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। pH मान इंक्रीज करने का मतलब है अभी तक हम एसिडिक मीडियम में थे, अब यहाँ पर pH वैल्यू इंक्रीज से अप्रोक्सीमेटली 7 हो गया, मतलब हम अल्कलाइन में तो नहीं आए लेकिन किसमें आ गए, न्यूट्रल में आ गए। जैसे न्यूट्रल में आते हैं तो हमारे यहाँ पर जो स्टार्च होता है, स्टार्च इन गार्ड सेल, तो गार्ड सेल में जो स्टार्च होता है वो स्टार्च ऑटोमेटिकली न्यूट्रल मीडियम में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर ग्लूकोज, ग्लूकोज वन फॉस्फेट, ग्लूकोज वन फॉस्फेट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट या इसमें से कोई स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज। अब चूंकि स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है एट द न्यूट्रल मीडियम, CO2 के कंसंट्रेशन घटने का pH बढ़ा तो हमारा जो गार्ड सेल में स्टार्च है वो ऑटोमेटिक ग्लूकोज में बदल गया। अब आपको पता है कि ग्लूकोज होता है वो सॉल्युबल होता है, तो सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में सॉल्युबल है, तो ये हमारा जो स्टोमेटा था, स्टोमेटा में ये गार्ड सेल में इस जगह पर ग्लूकोज बन रहा है, जब ग्लूकोज बन रहा है स्टार्च किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, तो ये वाटर में सॉल्युबल है, तो वाटर में जैसे सॉल्युबल होगा तो जो सॉल्युट का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब वाटर में जैसे कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, किसका, गार्ड सेल का, जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एंड ऑस्मोसिस होगी, एंड ऑस्मोसिस का मतलब है हमारे सब्सिडियरी सेल्स से वाटर है वो कहाँ पहुंचेगा, गार्ड सेल में पहुंचेगा, यहां पर सब्सिडियरी सेल्स से, इससे वाटर ट्रांसफर हो रहा है, कहां पहुंच रहा है, ये गार्ड सेल पहुंचना। तो आपको पता है जैसे गार्ड सेल पहुंचेगा तो यह गार्ड सेल कैसी हो जाएगी, यहां पर गार्ड सेल बिकम टर्जेंट, जैसे गार्ड सेल टर्जेंट होता है ये गार्ड सेल फूल गई, जब फूल गई तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा क्या हो गया, ओपन हो गया। देखिए कितनी सिंपल लैंग्वेज में आपने देखा, जैसे सनलाइट पड़ती है तो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, तो CO2 का कंसंट्रेशन ऑटोमेटिक कम हो जाता है क्योंकि CO2 फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज हो जाता है, तो pH का मान बढ़ जाता है।
पीएच के मान के बढ़ते ही स्टार्च इज कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज, ग्लूकोज 1 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट, सिंपली ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ये वाटर में सॉल्युबल होता है, सॉल्युबल होते ही यह पर एंडोस्मोसिस होती है। जब एंडोस्मोसिस हो रही है तो सब्सिडियरी सेल से वाटर यहां पर गार्ड सेल में इंटर कर जाएगा, तो गार्ड सेल का जो साइज है वो टर्जर बने फूल है। जब ये खिंचाव लेगा तो आउटर वॉल थिन होती है तो ज्यादा स्ट्रेच करेगी, इनर वॉल थिक होती है तो कम स्ट्रेच करेगी। तो गार्ड सेल टर्जर होने के कारण स्टोमेटा आपको बीच का फोर वाला दिखाई देगा, उसे कहते हैं स्टोमेटा ओपेक। अब इसी का जस्ट अपोजिट नाइट में होता है, जैसी रात होती है तो यहां पर यहां फोटोसिंथेसिस रुक जाती है। हम ऐसे देखते हैं फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, जैसे फोटोसिंथेसिस रुक गई तो आपको पता है कि केवल रेस्पिरेशन होगा, तो जो CO2 का कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 यहां पर क्या करेगा, अब इंक्रीज करेगा, अभी तक डिक्रीज कर रहा था। CO2 एसिडिक होती है, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज करने का मतलब है जो हमारा pH वैल्यू है वो pH वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 5 हो जाती है, तो इसके कारण से एसिडिक हो गया। तो मोर एसिडिक हो रहा है, जब मोर एसिडिक हो रहा है तो हमारे में जो ग्लूकोज है इसमें गार्ड सेल में ग्लूकोज इन गार्ड सेल, सारी प्रक्रिया गार्ड सेल के अंदर ही है, जो ग्लूकोज था गार्ड सेल से वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो गया, ये ऑटोमेटिकली फिर से स्टार्च हो गया। अगर स्टार्च में कन्वर्ट हो गया तो स्टार्च क्या होता है, इन सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में इन सॉल्युबल। अब जब वाटर में इन सॉल्युबल है तो निश्चित है कि यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज नहीं करेगा, जब कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं करेगा मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा तो एक्सऑस्मोसिस होगी। अभी तक जो है वाटर अंदर आ रहा था, वाटर कहाँ रिलीज जाएगा, बाहर, तो होगा यहाँ पर लिखेंगे आप एक्सऑस्मोसिस। तो एक्सऑस्मोसिस का मतलब बायोपरासन हो रहा है, इट मींस जो गार्ड सेल है तो गार्ड सेल से जो वाटर है वो निकल करके कहाँ पहुंच जाएगा, सब्सिडियरी सेल से। अब आपको पता है अगर किसी सेल से वाटर रिलीज हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी, फ्लैसिड पर ही पिचक जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे गार्ड सेल बिकम फ्लैसिड। अब जब ये फ्लैसिड हो गई, पिचक गई, तो आपको पता है इंस्ट्रूमेंट आपको कैसा दिखाई देगा, क्लोज दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा। आप देखिए कितनी सिंपल थ्योरी है कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होते ही CO2 का कंसंट्रेशन कम होता है तो पीएच बढ़ जाता है, पीएच के बढ़ते ही स्टार्च आपका ग्लूकोज में बदल जाता है और ग्लूकोज आपका वाटर में सॉल्युबल होने के कारण यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है, ओपी बढ़ जाता है, डीपीटी बढ़ जाता है, तो गार्ड सेल में वाटर इंटर करता है एंडोस्मोसिस फ्रॉम द सब्सिडियरी सेल्स, तो सब्सिडियरी से वाटर आ जाता है गार्ड सेल में, गार्ड सेल फूल जाती है तो स्टोमेटा खुला दिखाई देता है। रात के समय जैसे फोटोसिंथेसिस रुक जाती है तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता है, बढ़ेगा तो पीएच मान कम हो जाएगा, पहले 7 हो गया था, घट करके 5 रह गया, एसिडिक मीडियम है तो ग्लूकोज फिर से जो गार्ड सेल था वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च वाटर में इनसॉल्युबल है, तो फिर इनसॉल्युबल है तो एक्सऑस्मोसिस होगी, बायोपरासन होगा, वाटर वापस पहुंच जाएगा सब्सिडियरी सेल में और गार्ड सेल फ्लैसिड पिचक जाएगी, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इतनी सिंपल थ्योरी स्टीवर्ट और सेरे ने दी थी, लॉयड ने पहले उसको रिप्रेजेंट किया। अब इसी थ्योरी पे आते हैं, यहाँ पर कौन सी लेविट की थ्योरी, द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द इंस्ट्रूमेंटल ओपनिंग क्लोजिंग कॉल्ड द लेविट थ्योरी। दिस इज द लेविट थ्योरी, जो क्या कहती है, ये पोटेशियम आयन एक्सचेंज, ये आपका पोटेशियम आयन जो है ट्रांसफर या पोटेशियम एक्सचेंज थ्योरी जिसको कहते हैं। यहाँ पर पोटेशियम आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है पोटेशियम आयन एक्सचेंज, इसके लिए एक फिनोमेना आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा यहाँ पर लेविट ने जो थ्योरी दी, लेविट ने जो पार्ट यहाँ पर बनाया है, सेरे और स्टीवर्ट ने बताया है कि गार्ड सेल्स में हो रहा है, तो यहाँ पर ही गार्ड सेल में कहते हैं कि नहीं, ये सीधे ग्लूकोज नहीं बनता, यहाँ पर क्या बन जाता है, फॉस्फोग्लिसरॉल बनता है, ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बनता है और उससे मैलेट आयन बन जाता है, बस इतना ही चेंज है। तो जैसे मैलेट आयन बनते हैं तो आपको ये चेंज देखना है कि कैसे मैलेट आयन बन रहे हैं और क्या क्या चेंज हो रहा है। तो आप देखिए के टाइम में जैसी फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट, जैसे प्रकाश संश्लेषण शुरू हो जाता है तो आपको पता है किसमें होता है, गार्ड सेल में होता है, प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। तो गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस शुरू होते ही जो सब्सटेंस बनता है, वो सब्सटेंस बनता है यहाँ पर जो स्टार्च है, पहले जो स्टार्च थी यहाँ पर वो हाइड्रोलाइज हो जाती है,
हाइड्रोलाइज हो जाती है, किसमें बदल जाती है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, फुल फॉर्म है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, इसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीम कार्बन का कंपाउंड होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है तो फॉर्म में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये फोर कार्बन का कंपाउंड है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में, मैलिक एसिड आपको पता है जो सेव होता है पाइरस मैलस कहते हैं उसमें जो एसिडिक नेचर होता है उसको मैलिक एसिड कहते हैं, खट्टापन जो सेव में होता है ये मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जब मैलिक एसिड बन गया गार्ड सेल में तो मैलिक एसिड यहाँ पर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा एच प्लस में और मैलेटाइल, ये एच प्लस और मैलेटाइल के बदल ये दोनों अमीन किसमें हो रहे हैं गार्ड सेल में फिनोमेना हो रहा है। अब ये हमारा एस्टिमेटर है, ये हमारी गार्ड सेल्स है और ये हमारी सब्सिडियरी सेल्स है। तो ये जो हमारा मैलिक एसिड एच प्लस और मैलेटाइल, एच प्लस यहां बना है गार्ड सेल और बाहर सब्सिडियरी सेल्स में के प्लस है। तो अगर एच प्लस आयन यहां से बाहर निकलते हैं तो बदले नाइट्रोजन में के प्लस आयन अंदर आते हैं, इसे कहते हैं आयन एक्सचेंज या आयन इक्विलिब्रियम। एच प्लस आयन बाहर निकल रहे तो के प्लस आयन अंदर आ रहा है, तो एच प्लस आयन गार्ड सेल से निकल करके सब्सिडियरी चले गए और सब्सिडियरी सेल से के प्लस आयन निकल करके गार्ड सेल में चले गए, ये जा रहे हैं और बदले में यहां पर के प्लस क्या हो रहा आ रहा है। तो जो के प्लस और मैलेट आयन है ये दोनों मिलकर के बनाते हैं पोटेशियम मैलेट, क्या बनाते हैं पोटेशियम। अब जो पोटेशियम मैलेट बन गया है यहां पर तो ये जो पोटेशियम मैलेट बन गया इसके कारण से जो गार्ड सेल का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बढ़ जाएगा, तो गार्ड जब इसी ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएंगे गार्ड सेल बिकम टर्जिड, गार्ड सेल फूल जाएगा। अब गार्ड सेल जैसे फूल जाएंगे तो आपको पता है कि स्टोमेटा का फोर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, स्टोमेटा ऊपर जाएंगे। केवल कन्वर्जन क्या है कि यहाँ पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होते ही जो स्टार्च बन रहा है वो हाइड्रोलाइज होकर के पीईपी और ऑक्सैलो एसिटिक से बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है और मैलिक एसिड एच प्लस और मैलेटाइल में। अब ये एच प्लस और के प्लस का इंटरचेंज होता है, इसके के प्लस सब्सिडियरी सेल से आ जाते हैं गार्ड सेल में और ये दोनों मिलकर के इसकी कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बढ़ा देते हैं। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ा लेंगे तो एंड ऑस्मोसिस होगी तो इसे कहेंगे गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, गार्ड सेल टर्जिड होने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा। तो दीज आर द दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर द स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग के बाद हम आते हैं यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जो यहाँ पर स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग को अफेक्ट करते हैं, तो कौन कौन से यहाँ पर अफेक्टिंग फैक्टर्स उनको हमको पढ़ना है जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। एक तो एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या है जो यहाँ पर ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करेंगे। एक तो आप समझ लीजिए कि जो टेम्परेचर होता है, जैसे टेम्परेचर राइज करता है तो वो जो है यहाँ पर ट्रांसपायरेशन को भी क्या करता है हाई कर देता है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, जो ह्यूमिडिटी होती है नमी वो क्या है ट्रांसपायरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितनी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ट्रांसपायरेशन उतना कम होगा, इतनी ह्यूमिडिटी कम होगी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। इसके अलावा लाइट फैक्टर भी है, लाइट होती है तो इंस्टेंटली टेम्परेचर भी बढ़ता है, लाइट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांसपायरेशन के, ज्यादा सनलाइट होगी तो ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगा। और इसके अलावा और अगर फैक्टर्स हम देखते हैं तो हम देखते हैं जिस समय यहाँ पर विंड की स्पीड, जो विंड की स्पीड है, अगर विंड की स्पीड ज्यादा है तो ये भी ट्रांसपायरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ट्रांसपायरेशन रेट क्या होता है बढ़ जाता है। अब हम आते हैं इंटरनल फैक्टर, कौन से इंटरनल फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करते हैं। एक होता है लीफ एरिया, अगर लीफ बड़ी है आपने देखा बनाना कितनी बड़ी लीफ होती है, लीफ बड़ी होगी यहां पर तो निश्चित है स्टोमेटा भी ज्यादा होगा, स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो यहां पर ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। इसके अलावा एज पर भी डिपेंड करता है, प्लांट्स का ओरिएंटेशन पर डिपेंड करता है कि किस जगह पर लगी हुई है ना, अरेंज कैसे है, उसका वेरिएशन कैसा है, इसकी फिलोटैक्सी कैसी है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिस पर ये डिपेंड करता है। अब पूछा जाता है कि आइदर इट इज एडवांटेजेस आर नॉन एडवांटेजेस, हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल, बेनिफिट एंड हार्म। तो अब आप इसको सामान्य भाषा में और अच्छा वर्ड यूज करते हैं, आप लिखते हैं एडवांटेजेस कि हमें क्या एडवांटेज है एंड डिसएडवांटेजेस,
तो क्या हानि है जो ऑब्जर्वेटिव हो गया। अब देखिए अगर ट्रांसपरेशन ना होगा एरियल पार्ट से तो निश्चित है कि कोहेशन एडेशन ट्रांसपरेशन कोई थ्योरी काम नहीं करेगी और वाटर का जो ट्रांसलोकेशन है रुक जाएगा। तो सबसे मेन एडवांटेज तो ये है इसी कारण से वाटर ट्रांसलोकेट हो रहा है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो हाई टेम्परेचर हो रहा है हाई टेम्परेचर के कारण से ट्रांसपरेशन की तो बहुत सारी हीट लॉस हो जा रही है तो प्लांट्स की सेल्फ डेथ डेड नहीं हो पाए अदरवाइज डेड हो जाएगी एक एडवांटेज है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि डिसएडवांटेज क्या है A lot of water is released out in the form of the water vapor. बहुत सारा water vapor के form में release हो जाता है, जिससे कारण से water की deficiency होती है. This is the disadvantage. So the transpiration is called the necessary evil. एक आवश्यक बुराई है. Scientist ने Curtis. तो Curtis ने इसको कहा it is the necessary evil because the various advantages and the most drawback or disadvantage also present. वाटर लॉस सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर वाटर की कमी है सॉइल में तो एक्स्ट्रा वाटर को लगातार देंगे आपको कंटिन्यू वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन एडवांटेज बहुत सारे हैं इसी के कारण से इवेपोरेशन हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन में और वाटर जो इवेपोरेट कर रहा है वेपर के फॉर्म में रिलीज हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसलोकेट भी हो रहा है ऊपर चढ़ भी इसलिए रहा है और इसी के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी क्या होता जा रहा है प्लांट सब कम होता है तो लीफ में जितने भी एंजाइम्स हैं वो फिजियोलॉजिकल एक्शन जो कर रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे कहते हैं। हम आते हैं यहाँ पर ऐसे कौन से सब्सटेंस जो एंटी ट्रांसपायरेंट एंटी ट्रांसपायरेंट सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ट्रांसपिरेशन रेट को तो क्या कर देते हैं कम कर देते हैं। तो जो एंटी ट्रांसपायरेंट है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है एक को कहते हैं मेटाबॉलिक इनहिबिटर। जो मेटाबॉलिक इनहिबिटर होता है हमारा और दूसरा पार्ट यहाँ पर उसको यूज करते हैं फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपायरेंट। तो मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच चेक द ट्रांसपायरेशन रेट वाया द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। तो पार्शियल क्लोजिंग भी करते हैं स्टोमेटा के विदाउट अफेक्टिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस। दे चेक द वाटर लॉस By the partial closure of the stomata as well as without inhibiting other metabolic activities, दूसरी metabolic activity को बिना influence किए हुए partial stomata को close करके water loss को vapor के form में जो रोक रहे हैं there is a metabolic inhibitors, इसमें एक hormone है abscisic acid की भी। आपने नाम सुना होगा abscisic acid का, ये abscisic acid की है इसमें। एक और है यहाँ पर substance जो act as the metabolic inhibitors, also called the PMA. फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट। ये जो फिनाइल है फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट दिस इज आल्सो द मेटाबॉलिक। नाउ द फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट देयर आर सम सब्सटेंसेस व्हिच इनहिबिट द ट्रांसपिरेशन या एंटी ट्रांसपेरेंट की तरह वर्क करते हैं ट्रांसपिरेशन को लो करते हैं बाय फॉर्मिंग द फिल्म अराउंड द एस्टोमेटा। तो जो स्टोमेटा के चारों जो फिल्म बनाते हैं वो फिल्म का मतलब एक ट्रांसपेरेंट लेयर बन जाती है सरफेस के ऊपर दैट इज सफिशिएंटली परमिएबल फॉर द अदर प्रोसेस। जितना भी यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसके लिए परमिएबल होता है लेकिन बाकी वाटर को जो इवेपोरेशन हो रहा है यहाँ पर वेपर के फॉर्म में या ट्रांसपिरेशन हो रहा है उसको क्या करता है स्लो करता है। तो बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो सब्सटेंसेस हैं जो ये काम करते हैं जो सिलिकन इमल्शंस होते हैं जो प्लास्टिक रेजिन्स हैं आपने प्लास्टिक रेजिन नाम सुना होगा प्लास्टिक रेजिन्स है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे सिलिकॉन इमल्शंस जो सिलिकॉन इमल्शन है वो भी इस तरह का होता है। ये सब ट्रांसपिरेशन को क्या कर देते हैं लो कर देते हैं। तो आपने अभी देखा कितने स्टोमेटा में ये कैसे होते हैं क्लोजिंग होती है ट्रांसपिरेशन क्या है क्यूटिकुलर किसे कहते हैं स्टोमेटल किसे कहते हैं यहाँ पर बार ट्रांसपिरेशन क्या है लेंटिकुलर क्या है फिर ट्रांसपिरेशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है वो स्टोमेटा है। फिर स्टोमेटा आपको पता है किडनी पोर्स होते हैं तो सबसे गार्ड सेल से उसके बाद सबसे जैसे घिरे होते हैं। फिर आपने देखा कि स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किस आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन है हाइपोस्टोमेटिक माने कि लोअर सरफेस पर है कि एम्फीस्टोमेटिक माने दोनों सरफेस पर है कि एपिस्टोमेटिक मींस जो अपर सरफेस पर है आइदर इन द वेस्टिजियल फॉर्म ऑफ द सनकेन स्टोमेटा फॉर द डेजर्ट प्लांट डेजर्ट प्लांट्स में किस तरह के हैं एक्वाटिक प्लांट्स अगर सबमर्ज्ड देयर इज अ नो स्टोमेटा। तो हायर एंड जो ट्रांसपायरेशन रेट होता है वो मीसोफाइट्स में होता है
and the minimum transpiration in test when the succulent plants also called the fleshy plants, and there is the no transpiration in the submerged plant. Submerged transpiration नहीं होगा. फिर आपने देखा the various theories for the instrumental opening and closing. वन बॉल ने जो थ्योरी दी थी उसमें क्या है, गॉड सेल्स फोटोसिंथेटिक थ्योरी, एंड द अदर थ्योरी गिवन बाय द लॉयड स्टेरे एंड द स्टीवर्ट कॉल्ड द, क्या नाम दिया था उसने, स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी, एज वेल एज द थर्ड थ्योरी इज द बाबू, थर्ड थ्योरी इज द स्टेरे थ्योरी, द लेविट पोटेशियम आयन स्थानांतरण थ्योरी, द लेविट थ्योरी. फिर आपने एडवांटेज देख लिया, डिसएडवांटेज देख लिया, व्हाट इज कॉल्ड द नेसेसरी एविल, एंटी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, दीज आर द वेरियस सब्सटेंस. तो ये पूरे टॉपिक्स थे. इससे पहले आपने फ्लोएम का ट्रांसलोकेशन देख लिया था, फ्लोएम कैसे फूड को ट्रांसलोकेट करता है. तो जो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स था वो टॉपिक आपका पूरा हो गया. पहले में आपने वाटर ट्रांसपोर्ट देख लिया था, अब आपने इधर जो फूड का ट्रांसपोर्ट देख लिया. फूड का ट्रांसपोर्ट किससे होता है, फ्लोएम से होता है. गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट से आपने प्रूव किया दैट फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, और मंच ने आपने हाइपोथेसिस से प्रूव कर दिया दैट ऑलवेज द फूड इज ट्रांसफर्ड इन द मल्टी डायरेक्शन फ्रॉम द हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन. तो अगर हम यहाँ पर लगातार फूड्स नहीं तोड़ेंगे, जो प्लांट्स में जो फूड्स बन रहे हैं अगर उसके ग्रो करने के बाद उसको हटाएंगे नहीं, तो फिर लॉट ऑफ फूड उसमें कलेक्ट नहीं हो पाएगा और हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन तो नहीं जा पाएगा. तो मंच ने अपनी हाइपोथेसिस दे दी कि जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स में वाटर की तरह और यहाँ पर फूड का ट्रांसपोर्ट दोनों कंप्लीट हो गया, आपका ट्रांसपरेशन पार्ट पूरा हो गया. नेक्स्ट टॉपिक पे आगे. ओके, थैंक यू.